हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 6वीं की, हमारा अतीत एक के नाम से, जो हमारा अतीत फर्स्ट के नाम से जो आपकी बुक्स है, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे, 7 चैप्टर खत्म कर चुके थे। 8वां हमारा चैप्टर है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में हमें जानना है। ठीक है, क्या है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर? फिर बोलता हूँ वही कि कक्षा 8वीं तक आप लोग बड़े मन से सुनिए या फिर पढ़िए, क्योंकि इसमें ज्यादा कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आपको समझ ना आए, और जो ऐसा शब्द है समझ में ना आए उसे मैं बता दूंगा, लेकिन इसमें रटने लायक और ना ही ज्यादा टेंशन लेने लायक कोई भी शब्द नहीं है ऐसा। ठीक, कहानी की तरह सुनिए इसे एक दो बार, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक, लोहार की दुकान पर प्रभाकर। प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हसिया जैसे कुछ औजार बेंचे बेचने के लिए रखे हुए थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब देखकर बड़ा मजेदार लग रहा था। लोहे और औजार और खेती, लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। आज इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3,000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। करीब 2500 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है हमें। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां, जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। ठीक है, ये हैं आपके, देख रहे हैं, कुल्हाड़ी है, ये फाल है। ठीक है, किसी उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, सिंचाई। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रुपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। लो, इस चार्ट में तुम सिंचाई से आए परिवर्तन देखे गए। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजनाएं बनाई और धन खर्च किया। राजा को सेना, महल, किले बनवाने के लिए धन चाहिए था। वे किसानों से कर लेते थे। ठीक है, ये देखते रहना। बात करते हैं गांव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम तीन तरह के लोग रहते थे। कौन कौन से? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को बिल्लाला, बिल्लाल, बिल्ला कहा जाता था। साधारण हलवाओं को उड़वार, भूमिहीन को मजदूर, दास, कैडेसियर और अदिमई कहलाते थे। ठीक, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। ठीक, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आम तौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणता इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रया राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी यही करते थे। ग्राम भोजकों को के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इसमें दास कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी रहते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 यानी कि 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरे के कवियों के सम्मेलनों ने इनका संकलन किया था।
गांव में रहने वाले वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर क्या कहती हैं कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में विचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इसका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बना। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई और राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका मालिक माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 किसान लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़े के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपने घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन से इन्हें देख लेना। इस कहानी में आप व्यक्ति के व्यवसाय की सूची बनाओ, ठीक है, जो जो उसने व्यवसाय की। प्रत्येक के लिए तय करो कि गा शहर में, गा गांव में, फिर गा शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया था देख लेना। क्या महिलाएं कहानी में बताएं व्यवसाय को अपना सकती थी, उत्तर के कारण। आगे प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग या खम्भों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। यह दिल्ली में मिला वलय कूप हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह भिन्न है। नीचे आपको ये सांची की मूर्ति कला है। यह मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप में मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहर का जीवन एक आदर्श है। सांची इन दीवारों को देख, क्या ये ईंट की बनी थी रेलिंग, ठीक है, ये देख लेना। अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे, जैसा कि तुमने पढ़ा है। इनमें से कुछ शहर पर्वतों से घिरे हुए थे, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो। अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़े दान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः एक वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटें या छप्पर से बने होते थे। ये होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए। भविष्य में पुरातत्वविदों ने इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों और यात्रियों के विवरण द्वारा ही पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन पत्रों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है, ठीक है।
आगे बात करते हैं वेरी गाजा, भरूच का यूनानी, भरूच का यूनानी नाम की कहानी। वेरी गज्जा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए एक नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। वेरी गजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती, कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गाय, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ठीक, बात कर लेते हैं कुछ आहट सिक्के। आहट सिक्के सामान्यतः आयातकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहट सिक्के कहलाते। इस सिक्के आपके उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों पाए जाते थे और ईसा की आरंभिक सदियों का तक ये प्रचलन में रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग सिक्के। क्या सिक्के? पुरातत्वों का को इस युग के हजार सिक्के, हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराना आहत सिक्के थे, आहत सिक्के जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहट कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहट सिक्का कहा जाता है। ठीक है, यहाँ आपके आहट सिक्के। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदी चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट ना जाए। शहरों से नमक के सौदागर के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज में इसका विनिमय करते हैं, किस तरह यात्रा कर रहे हैं? ठीक, देख ली नमक पर कहानी। ठीक, विनिमय की। फिर आगे, अनेक नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण थे। उदाहरण के लिए मथुरा यह 2500 2500 साल से ज्यादा भी समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र भी था। लगभग 200 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में हम लोग आगे अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। मथुरा में पिस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले। आमतौर पर एक संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। फ्रेया शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख भी मिलता है। ठीक, शिल्प तथा शिल्पकार। पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले। उत्तरी काले चमके पात क्या है? NVPW। एक कठोर चाक निर्मित धातुओं की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। ठीक है, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे।
जैसा कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें सैणी कहते हैं। क्या अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे? संघ, इन संघों को सैणी कहते हैं। शिल्पकारों की सैणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की सैनियां व्यापार का संचालन करती थी। सैनियां बैंकों के रूम में भी काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इन धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। ठीक। सूत कातने या बुनने के नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया, चाणक्य की। ठीक है, चंद्रगुप्त के समय में चाणक्य द्वारा लिखी गई। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिखुड़ियों तथा वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था इस काम में। इन्हें अनेक काम और की गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, वे अपनी दासियों को बेचकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी, फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक श्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बातें करता, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया, तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। आगे बात करते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। अरीका मेडू, ये आपका पुडुचेरी में, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरीका मेडू का एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला, जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसी मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का है था, किंतु वे यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले, जो संभवतः कपड़े के रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धमूल पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्रह्मी लिपि में अभिलेख मिले। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक। रोम, यह यूरोप के सबसे पुराने शहर में से एक है। रोम, इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 200 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था, जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े रंगमंडल एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों को के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए, जहाँ स्त्रियां तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों, फब्बारों और
गुसलखानों के लिए पानी जाया करता था। तो इस चैप्टर में हम लोग ने उपयोगी शब्द देखे हैं, लोहा, गांव, सिंचाई, शहर, नगर, वलयकू, पतन, श्रेणी। पता है आपको, इन्हीं शब्दों की जानकारी हो जाए या हमारी नी न्यू जो हमारा मजबूत हो जाए बेस, इसीलिए इन शब्दों की सरल परिभाषा में समझाया गया आपको इस चैप्टर में, ठीक है। जैसे लोहा कहाँ मिला, क्या काम हुआ, ठीक है। फिर आपका ये क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स हैं, ये आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, लगाते रहिए। कुछ आपके ये दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ ये दिए हुए। ये था आपका 8वां चैप्टर। आगे बात करेंगे हम लोग व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में, ठीक है।